मुताबिक जो हमारे को आदेश मिले कि आप अपने प्रदेश में भी इसको लागू करें, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने 12 जिलों का दौरा किया है। 12 जिलों में जाकर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं में एक जोश भरते हुए उनको आदेश दिए हैं कि किस तरह से उन्होंने बूथ कमेटी को लेकर काम करना शुरू करना है, ताकि हमारी बूथों में भी मजबूती हो। तो इसके कुछ टिप्स थे जो हमने वर्करों को देने थे। और उसके अलावा जो हमारा, हमको लग रहा है कि अब 2-3 महीने ही इलेक्शन के लिए रह गए हैं, बड़े जल्दी हमने चुनाव के मैदान में उतरना है, तो उस मुतल्लक भी कुछ बातें, कुछ चर्चाएं लोगों से करनी थी। उसी के संदर्भ में मैं 11 जिलों का दौरा करके आज चंबा जिला में आई हूँ। और चंबा में भी हमने अपने वर्कर्स में यही जोश भरा है और उनको किस तरीके से चुनाव के मैदान में उतरना है, उसके लिए हमने निर्देश दिए। क्या लगता है आपको, आपने 11 जिलों का, 12 जिलों का दौरा किया, तो क्या लगता है लोगों को, क्या आपका है, क्या लोग चाहते हैं? देखिए, जो मैं आभास कर पाई हूँ और जो मुझे लगता है कि लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि लोग बहुत दुखी और त्रस्त है इस सरकार से, जिस तरीके के वायदे इस सरकार ने किए थे, चाहे वो बेरोजगारी को दूर करने की बात थी, चाहे महंगाई को दूर करने की बात थी, तो लोगों को बहुत आशा थी कि शायद प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ हमारे लिए करेंगे। परंतु 3 बार प्रधानमंत्री जी का दौरा हिमाचल प्रदेश में रहा, जो बहुत ही निराशजनक, जहाँ उन्होंने ना बेरोजगारी की बात की, ना युवाओं को रोजगार देने की बात की, और हमने बार बार ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, पुलिस में जो ये भर्ती हुई उस बात को हमने बार बार लोगों के बीच में और सरकार को भी उससे अवगत करवाया। और आप जानते हैं, हमारे युवा कांग्रेस के बच्चे भूख हड़ताल पे भी बैठे और हमने उनकी भूख हड़ताल तोड़कर ये कहा कि अब 31 तारीख को प्रधानमंत्री जी आएंगे, हमने निवेदन किया है कि आप CBI की जांच करवाएं, तो CBI तो प्रधानमंत्री के अंडर होती है, उनसे भी हम कहेंगे कि CBI के आदेश देकर इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए। पर प्रधानमंत्री ने हमारी बात अनसुनी की, ना उन्होंने ऐसे कोई निर्देश दिए, ना इसका कोई जिक्र किया, तो हमारे लोगों में बहुत निराशा है। दूसरा, ये जो आर्मी की भर्ती को लेकर लोगों में एक निराशा पहले ही थी कि इतने साल से सेना में भर्ती नहीं हो रही, और उन्होंने कहा कि ये तो कोरोना काल की वजह से 2-3 साल भर्ती नहीं हो पाई, तो अब लगता था कि शायद कोई ऐसा समय आएगा जब हमारे बच्चे, जिसकी तैयारी कर रहे थे अपनी सेवाएं देश के लिए देने को, तो उसमें भी कोई ऐसा निराशजनक उत्तर सरकार की तरफ से आया, जिससे आज हमारे बच्चे, नौजवान साथी सभी बहुत निराश और दुखी हैं और कुंठित मन से ये कह रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें इस सरकार से कोई आशा नहीं कि वो हमारे आवाज़ को सुने और उस पर कोई निर्णय लें। मैम, अभी जो भाजपा ने बड़ा मुद्दा उठाया है गुड़िया कांड को लेकर, कि प्रदेश अध्यक्ष ये कौन किया, उन्होंने गुड़िया कांड को लेकर ऐसा कहा, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जब हिमाचल प्रदेश में गुड़िया का प्रकरण हुआ था और दुख घटनाक्रम हुआ, तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत श्री भद्र सिंह जी ने उसकी CBI की इंक्वायरी, और उसके CBI इंक्वायरी ऑर्डर होने के बाद ये सरकार बदल गई। अब 4.5 साल से दिल्ली में भी इनकी सरकार है और हिमाचल में भी इनकी सरकार है। जवाब तो इनको देना है कि गुड़िया के परिवार को न्याय ये क्यों नहीं दिला सके। और हमारी अध्यक्षा तो उस समय उनके आवास पे जाके आई, उनके साथ दुख दर्द बांट के आई, तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि गुड़िया के परिवार को न्याय मिले। लेकिन CBI तो अब इनके अधीन है, 8 साल से दिल्ली में इनकी सरकार है, अब 4.5 साल से इनकी सरकार है, और सिर्फ गुड़िया प्रकरण ही नहीं, हम जानना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार के समय में 1503 रेप हुए, 1503 रेप की घटनाएं हुई, वो भी किसी की गुड़िया थी, उनके लिए भाजपा के किसी भी नेता ने या किसी भी नेत्री ने प्रदेश में कोई आवाज़ नहीं उठाई,
आप ऐसे ऐसे घटनाक्रम हुए, कसौली में एक महिला ऑफिसर उसको जो है दिन दिहाड़े जो है गोली मार दी गई, भाजपा ने कोई आंसू नहीं बहाए, ऐसी ऐसी एक नहीं अनेक घटना। अभी ऊना में दो घटनाएं हुई हैं, एक गगरेट में एक चिंतपुर्णी में, भाजपा के किसी नेता ने जो है आंसू नहीं बहाए। तो इसलिए ये जो यहाँ पे जो रेप के प्रकरण हुए, मोलेस्टेशन की घटनाएं हुई, रेप और ईव टीजिंग की घटनाएं हुई, वो जो है अब तक की एवर हाईएस्ट हैं हिमाचल प्रदेश में, लेकिन भाजपा उन पे खामोश है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के शासन में 500 कत्ल हो गए, उस पे जो है भाजपा पूरी तरह खामोश है। कानून व्यवस्था का पूरी तरह जनाजा पिट गया है, उस पे खामोश है। सिर्फ ये अब इनका काम है कि ये डाइवर्ट करना चाहते हैं, इलेक्शन आ गया, जो रेलेवेंट इश्यूज हैं जिन पे जनता अब जवाब मांग रही है, खासतौर पे सबसे बड़ा हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मसला भर्तियों का मसला है, जो भर्तियों में धोखाधड़ी हुई है, जो रेप हुआ है और चोर दरवाजे से नौकरियां देने के प्रयास किए गए हैं, चोर और नज़दीकियों को नौकरियां देने की कोशिश की है, कोई कायदा कानून का पालन नहीं हुआ, कोई सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड नहीं, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, किसी भी तरह से जो कुछ भी हो रहा है ये सारी जनता देख रही है। हिमाचल प्रदेश में 66 हलकों में तो नौकरियां दी नहीं गई, दो हलकों में जो है अपने लोगों को फायदा देने के लिए सराज में और धर्मपुर में वहाँ अपने लोगों को, वो भी वहाँ भी कच्ची नौकरी 3,000-2,500 की नौकरी वहाँ देने का इन्होंने प्रयास किया, बाकी 66 हलकों को इन्होंने पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। भर्तियों का इस पैमाने का घोटाला फर्स्ट टाइम अगर हुआ है तो वो 11 सरकार के समय में हुआ, जबकि पुलिस भर्ती में बेईमानी हुई, इन 2,00,000 लोगों ने कांस्टेबल बनने की ठानी, 75,000 लोगों ने पेपर दिया, 25,000 लोग क्वालिफाई कर गए और उसके बाद पता लगा कि पर्चा लीक हो गया। पर्चा लीक नहीं हुआ, पर्चा तो नीलाम हुआ, क्योंकि अब इन्होंने जयराम जी ने इंक्वायरी सीबीआई को दे दी। जयराम जी बताएंगे कि सीबीआई क्यों नहीं आई हिमाचल प्रदेश में, पुलिस भर्ती घोटाले की जांच के लिए सीबीआई क्यों नहीं आई, एक बार। दूसरा ये है कि ये कहते हैं हम डबल इंजन की सरकार है, यहाँ से आप सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं, दिल्ली वालों को कहते हैं कि आपने आने नहीं देनी सीबीआई, वही तो वैलिड रीजन होगा कि भर्ती प्रकरण में जो है सीबीआई हिमाचल नहीं आई। ये वो उन कागजात को ओपन करें जो इन्होंने सीबीआई को लिखे कि आप आगे जांच करें, और इनका काम जो है सीबीआई जांच कर हशहश मैनर में ये कोशिश कर रहे थे, और वो ये अब इनको ये बताना पड़ेगा कि 6,000 लोग जिन्होंने पिछली बार पेपर दिया था अब नहीं दिया, व्हाट वर द कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस कि उन लोगों ने पेपर नहीं दिया। तो इसलिए 22 में नीलाम हो गया, 20 का भी आप देखते हैं परौर में पर्चा हुआ था पुलिस का, और वहाँ भी अंदर जो है मशीनें लगा के बैठे थे, बाहर सॉल्वर बैठे हुए थे, तब भी पैसे पकड़े गए, लोग पकड़े गए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पर्चा था, 20,000 लोगों ने पर्चा दिया, पर्चा लीक हो गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो पर्चे हुए वो लीक हो गए, आधे पर्चे जो है अदालतों में उनकी वो चल रही है, सुनवाई चल रही है कि हिमाचल प्रदेश के पर्चे कैसे लीक हुए। आपको मैं बताता हूँ कि देखिए हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था से ही लोगों का विश्वास उठ गया, भर्ती प्रक्रिया की व्यवस्था से, और सबसे इम्पोर्टेंट मुख्यमंत्री के दफ्तर में काम कर रहे, मुख्यमंत्री के ऑफिस में काम कर रहे लोगों को सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस में पर्चा दिलवाया गया, सब लोगों ने लाइन में बैठ के पर्चा दिया, मुख्यमंत्री कार्यालय के लोगों ने अलग कमरे में बैठ के पर्चा दिया। ये क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या उनको ऐसा अधिकार है, किस कानून के तहत उनको ये अधिकार मिला कि वो लोग जो है अलग कमरे में बैठ के पर्चा कोई दे रहा है। और ये भी पिटीशन हाईकोर्ट में चल रही है और वहां सरकार ने मान लिया कि हाँ ऐसा हुआ है। तो ये सारा भर्ती प्रक्रिया जो है इस शासन में
सारी की सारी दोषपूर्ण है, और इसीलिए हम आपको ये कह रहे हैं कि हम जो है दो तीन चीज़ों के लिए बिल्कुल कमिटेड हैं। एक तो ये कि भर्ती की प्रक्रिया का पूरा सेटअप बदल देंगे, और भर्ती जो है मेरिट पे होगी, भर्ती पात्र की होगी, और जितने मैक्सिमम हो सकती होगी वो हम करेंगे। दूसरा, चोर दरवाजा जो है बिल्कुल बंद किया जाएगा। ये जो बैक डोर एंट्रीज हैं, ये भाई भतीजावाद है कि अपने परिवारों के लोगों को नौकरियां देना, अपने नज़दीकियों को नौकरियां देना चोर दरवाजे से, ये सारा नौकरियों का अंडर स्कैनर है। और मैं ये एक बार जरूर कहना चाहता हूँ, ये पुलिस की भर्ती का जो मसला है, चाहे इन्होंने पुलिस की भर्ती द्वारा करवा दी, सरकार बदलेगी, हम पुलिस की भर्ती की जांच करवाएंगे। और ये हम, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है, इन्होंने सीबीआई को सौंप के उसके बावजूद नहीं करवाई, इसलिए अब क्या एक महिला अध्यक्ष बन गई। अब जो है प्रदेश में इनको बौखलाहट है, जिस ढंग से महिला सम्मेलन हमारे हुए हैं, जिस ढंग से लोग हमारे जनसभाओं में आ रहे हैं, कहीं भी कोई, अब इनकी तो मोदी जी की जनसभा फेल हो गई थी धर्मशाला में, हमारे यहाँ पे जो है हजारों हजारों लोग आ रहे हैं, तो जो सत्ता परिवर्तन है उसने इनकी बौखलाहट भी आ गई और इनकी भाषा भी बिगड़ गई। इनके सब लोग नेता देखो किस भाषा में बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी तूतड़ाक से बात कर रहे हैं, इनके मंत्री भी तूतड़ाक से बात कर रहे हैं, इनके चेयरमैनों की भी भाषा बदल गई। आप देखते हैं कि किस ढंग से वो कह रहे हैं कि जी हम आपको जमीन में गाड़ देंगे, कोई कह रहा है कि हम किसी को काट देंगे, कोई कुछ कह रहा है। तो ये जो सारा जो मसला है, ये जब अंत में दिया बुझने लगता है तो वो फड़फड़ाता है। ये फड़फड़ाहट है, इसलिए झूठे आरोप कहीं भी आपको असर नहीं करेंगे। जो हिमाचल प्रदेश में होना है वो हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार का जाना तय है और उनको जाना है। वो जो रिवाज की बात कर रहे हैं कि इस बार रिवाज होगा कि भाजपा सरकार के बाद